हेलो दोस्तों, तो आज मैं ना अपने फेस पे फेस पैक लगाने जा रही थी, तो मैं वो आपसे शेयर करती हूँ फेस पैक कौन सा लगाने जा रही हूँ। वो भी आपके समर जैसा कि स्टार्ट हो गया हो और आपके भी ऑयली स्किन है या पिंपल हो रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ये फेस पैक है। तो मैंने क्या लगाने वाली हूँ ये आपसे, जो मैंने पेस्ट बनाया है ये कैसे बनाना है। आपको लेना है बेसन, और मैंने 1.5 चम्मच बेसन लिया है, इसमें शहद मिक्स किया है, और यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ कुकुम्बर टोनर। अगर कुकुम्बर टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। और बस सिंपल यही पेस्ट बनाना है और इसको बना के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं मैंने किस किस तरह की क्वांटिटी रखी है कि इतना रनी बेस में ना हो कि आप फेस पे लगाएं और वो टिप टिप गिरे, तो इतना थिक रखना है कि आपके फेस पे वो टिक जाए। तो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी और इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बेनिफिट की बात करते हैं, जिसके ऑयली स्किन हो वो उसको ऑयल को कंट्रोल करता है। अगर आपके पिंपल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं ये वो पिंपल को कंट्रोल करेगा। और मैंने यह कुकुम्बर टोनर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब ओपन पोर्स हो जाते हैं ना वो उसको मिनिमाइज करता है और स्किन को टाइट करता है। और जो बेसन का तो आपको पता ही होगा, बेसन जो आपकी स्किन को लाइटन करता है, स्किन को ब्राइट करता है, और आपके जो ऑयली स्किन को ये थोड़ा सा ऑयल को कंट्रोल करता है, तो इसके बेनिफिट ये हैं। और शहद आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसको लगा के मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही, तो पहले इसको लगा लेते हैं अच्छी तरह। अच्छा, फेस पे लगाते हैं तो नेक पे लगाना मत भूलना। नेक पे लगाने से ना फेस और नेक इवन हो जाता है, जैसे कि मेरी पहली पुरानी वीडियो देखेंगे और अब की वीडियो में तो बहुत ही फर्क रहेगा। तो मैंने लगा के छोड़ दिया था और 20 मिनट में हो गए हैं। अब इसको फेस वॉश कर लेते हैं। मैं यहाँ कोई फिल्टर नहीं यूज़ कर रही हूँ, ना ही मैं यूज़ करती हूँ, ये मेरी नेचुरल फोन से शूट करती हूँ इसलिए तो नेचुरल मैं स्किन लाइट में दिखा रही हूँ। तो आप बताओ कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है वीडियो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।